है मूवी या फिर सीरियल्स देख रहे हैं ऐसे लगता है, खत्म हो जाने के बाद लगता है क्यों खत्म हो गया। इतना मजेदार होता है वीडियोस, बहुत एक अलग ही मतलब। बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो ऑफ द हर्ष बेला। यस, तो ये वीडियो का नाम है हु किल्ड जेसिका, थोड़ा थ्रिलर टाइप है, ठीक है कोई। एंड जितना भी पता लगा है कि ये सस्पेंस टाइप का होगा एंड शायद इसका पार्ट टू भी आएगा, इतना तो पता लग ही गया होगा। एज यूजुअल वी आर लेट, एपिसोड 1 लिखा ही था। हाँ, एंड देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। ज्यादा बातचीत नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है एंड फर्स्ट कोई इसका पार्ट नहीं रखेंगे, एक ही बारी में पूरा करना है। हाँ, तो सो लेट्स प्ले द वीडियो। डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है यार, 2 महीने हो गए हैं अब तो, बता दो कहाँ लिया नया फ्लैट। नहीं यार, ये कैसा रिलेशन है यार हमारा, जब मुझे ये नहीं पता तुम्हारा ठिकाना कहाँ पे है। लोकेश, the S in the relationship stand for space, so give me some of it। चुप पागल की बच्ची, मेरी जिंदगी का कंट्रोल लेके तेरे को स्पेस चाहिए? ऑल्ट प्रेस F4 कर दूंगा फिर रोती रही जिंदगी भर। तुझे पता तुझ जैसी लॉन्डे की वजह से ना लॉन्डो को मजबूरन DM4 पेड़ फल वाली प्रिया के पास जाना पड़ता है। हाई बड़ी स्पेस चाहिए तुझे। ये इसीलिए हूँ ना मैं, जस्ट फॉर सेक्स। कौन सा सेक्स? 7 महीने में सिर्फ 2 बार सेक्स किया हमने, वो भी फोन पर, जिसमें से एक में तू बीच में सो गई थी, तेरी तरफ से भी मैं खुद ही रिप्लाई कर रहा था। हाय बड़ी सेक्स सेक्स सेक्स। सुन लोकेश, ये जो तेरा शॉर्ट टेम्पर है ना, मुझे मत दिखाना वरना तेरी माँ चोट दूंगी। सास के बारे में उल्टा बोलती है। हेलो, सास के बारे में उल्टा। हेलो, कर दियो कुतिया। हेलो, अरे भैया कहाँ रह गए? 5 मिनट बोला था आपने यार, धूप में खड़ा खड़ा ना भुट्टा बन गया हूँ मैं। आ रहा हूँ ना, गांड में को घुसने आ रहा हूँ। जी सर, मैं अभी आ गया सर, बस थोड़ा जाम में फंस गया था मैं। अरे भैया लेट हो रहा हूँ यार, आप समझ ही नहीं रहे हो। अबे इतनी जल्दी तो खुद की गाड़ी ले लेना फकीर के बच्चे। जी सर, मैं 2 मिनट पहुंच गया सर, मैं बस आ गया सर, अभी आ गया। हाँ बाबू जल्दी आओ। जी सर, जी सर। अंकित सर आप चले? हाँ जी जी, आइए। ओला ओला वाला ओला टी पी ओटीपी बताइए सर। 5467 5467 आगे केमिस्ट की शॉप पे रोकना एक बार। सर केमिस्ट वाले लोगों की तो हड़ताल है ना, तो बंद है सारी दुकानें। फक सीरियसली? अबे नहीं यार। कंडम। हेलो चंदन, कोड रेड। भाई नहीं पड़ा यार, कल ही खत्म हुआ स्टॉक। भाई देख लिया, यूज भी मिल जाए तो। अभी देखी नहीं मैं, थोकी यूज कर लूंगा। सॉरी मैन। अबे यार सर, सर सर ये मादरचोद, सर मादरचोद ये लोग देखना सर कैसे गाड़ी चला रहे हैं, तमीज ही नहीं है सर। वैसे अगर आप कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर। कैसी मदद सर? यही चाहिए ना आपको? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? सर एक आदमी इतना बन ठन के राजा बाबू बन के 2 ही मौकों पर निकलता है, या तो किसी की शादी में जाना हो या फिर सुहागरात में। अब शराब चल रहा है तो शादी तो हो नहीं रही है ना, तो बस गैस किया। आप ये लीजिए, एक्स्ट्रा डॉटेड है, ग्रिप बन जाएगी, मजा आएगा, लीजिए यार। थैंक यू भाई। सर थैंक यू मत बोलिए सर, वो क्या है ना कि जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों का छड़वा, आई मीन दूसरों के सपने पूरे करवाते हैं सर।
क्या हुआ? बहुत खुश लग रहा है। सर लक्ष्मी आएगी तो खुशी भी तो आएगी ना सर साथ में। मतलब एक सेकंड मैं अभी समझाता हूँ साइड में लगा के। सर सर ये विंजो ऐप, इसके अंदर कैरम पोकर रमी और कोई जैसे 70+ गेम है जिस खेल के आप पैसे जीत सकते हैं और सारे पैसा विड्रॉ करा सकते हैं यूपीआई और पेटीएम से। बढ़िया यार। देखते हैं मैं लिपस्टिक अलग लग रही है। जीत के नाम पे ना सनी देओल की पिक्चर देखी है और हर जगह आ रहा हूँ। अरे सर आप ऐसे उदास मत होइए सर, विंजो ऐप में ना सर हारने वाले की भी झोली भरती है। इसके अंदर हारने वाले लोगों के लिए अलग से स्पेशल वर्ल्ड वॉर टूर्नामेंट बना है जिसके अंदर हारने के भी पैसे मिलते हैं। इम्प्रेसिव यार। अरे सर इम्प्रेसिव तो है पर एक चीज और सुनिए, इसके अंदर विंजो स्टोर भी है जिसके अंदर आप फ्री फायर जैसे गेम के डायमंड, नायका और जी फायर के गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। सही है यार, अभी डाउनलोड करता हूँ मैं। सर डाउनलोड कर ही रहे हो तो सर मेरा रेफरल लिंक यूज कर लेना, आपको भी 50 रुपए का बोनस मिल जाएगा और मुझे भी। सही। सर वैसे आप बुरा ना मानो तो एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे। हाँ पूछ। सर जिसके घर आप जा रहे हैं वो गर्लफ्रेंड है या कुछ मतलब यू नो? अरे नहीं यार, बहुत टाइम से बातें हो रही थी तो आज उसने डेट पे बुलाया आपने। घर पे बुलाया तो समझ ही जाओ। हाँ जी। वैसे तो उसने रात को बुलाया था पर मैं 4 घंटे पहले जा रहा हूँ। यू नो सरप्राइज लीड टू गुड नाइट। ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स, बिल्कुल सर ऑफकोर्स। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं सर, हार्ड डिस्क है मेरे पास, स्पेस मांगती रहती है। ओके सॉलिड का डायलॉग है। एनीवेज आई गेस यहीं पे लोकेशन आ गए, आप एक बारी साइड में रोक दोगे प्लीज? हाँ जी भैया, कितना हुआ? अरे नहीं नहीं सर कुछ नहीं, आप जाइए, आपके लिए फ्री आज की राइड, अच्छे से करना है आपको, कम से कम 5 स्टार मिलने चाहिए। सर मेरे लिए भी दुआ करना कि मुझे स्पेस के अलावा भी कुछ मिले। रेटिंग दे देना सर। हाँ। चलो जिसके गाइड देखने को होना चाहूँ। देखिए तो जैसिका की स्कूटी है और टाइम से बातें हो रही तो आज उसने डेट तो बुलाया आपने। सरप्राइज इज लीड टू गुड नाइट। मेरी बंदी के साथ वो भी मेरा कंडम लगा के मार दिया चार। मर चुकी है ये मेरे लिहाज से। और तू देख अभी भी हंस रही है बेशरम। ये क्या है?
मेरे को किस करते टाइम तू ब्रश नहीं करती थी, और ये इसको चाटने के लिए सर से मुंह धो रही है तू। बोल बोल क्यों नहीं रही? बोल ये ले, ये ब्रेकअप ब्रेकअप कट्टी हो गई हाथ से कट्टी। जैसिका को मार दी, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, पुलिस को फोन कर रहा हूँ। हाँ तो कर, बॉडी पे हाथ के निशान तो तेरे मिलेंगे ना, कर कर। बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही है आजकल, हर एक वीडियो पी क्यों रे बापट पूरी की मत सी हां से कर रही है। रेस्ट इन पीस, स्टे स्ट्रांग। हाथ हटा चूतिए। वैसे तो वही एक है ना जिसके बारे में बता रही थी, बात बात पे खिसियाया रहता है, गेंडे के लंड सी शक्ल है। हाँ मैं हूँ गेंडे का लंड, पर एक्स न्यू मादर चोद। बात बात पे इतनी गाली क्यों देता है? कब दी बहन के लौड़े, कब दी मैंने? समझ नहीं आ रहा तुझे नफरत किस लिए करूं, मेरी मारने के लिए या खुद मर के? मेरी मारने के लिए। एनीवेज ब्रो, हम दोनों इसमें साथ में फंस गए, सो लेट्स वर्क एज अ टीम। तो बता आगे क्या करना है? आई एम ओपन टू आइडियाज। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके गली मोहल्ले में फैला देते हैं। आई एम स्टिल ओपन टू आइडियाज। मैं तो क्या करें, या बैठे थोड़ी रहेंगे? कौन सा उस कमरे में से किलर निकलने वाला है थोड़ी देर में? चोद। तू मेरा स्टाइल क्यों ले रहा है? तू मेरी बंदी ले रहा है, मैं तेरा स्टाइल नहीं ले सकता बहन चोद। हाँ भाई क्यों मारी और कैसे मारी? सर वो थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था इसलिए मार ली, बाकी कैसे मारी तो काफी साइट्स हैं इंटरनेट पे, आप लोग खोलो। हाँ पर दूसरी ज्यादा मत मारना, वो कहने पिंपल्स हो जाते। चुप चुप, नहीं होते पिंपल, मैं खुद 3 बार मारता हूँ। पन ज्यादा पिया कर, और पंजों पे मारेगा तो हाइट भी बढ़ेगी। क्या कर रहा है ये? ऐसे करेगा पूछताछ? सपाटी है तेरा, ओवर पावर कर इसको, शक्ति ला। वे, बोल तूने मारा उसको, बोल तूने मारा उसको। चूतिए, बोल मैंने मारा उसको। बहुत गलत किया भैया यार, बेचारी लड़की को मार दिया यार, आपकी पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ मैं। बे मस्करी करता लोड़ू तेरी, चाकू है, चाकू चाकू है, चाकू। भैया ये रहा चाकू। ए ये तेरे पास कैसे आया, ला इधर दे। ए चल पीछे हो सालो लकड़ बग्गो, तब से कुत्ते की तरह धोए जा रहे हो। पॉकेट मारे मुझे, नहीं मारा मैंने इसको यार। तो कौन है तू और अंदर क्यों छुपा हुआ था? भैया मैं आर्टिस्ट हूँ, लोगों की चीजें उठा के ले जाता हूँ बस बिना उनकी परमिशन के। मतलब चोर है? ए व्हाट चोर, चोर क्या होता है? इट्स एन आर्ट, लोगों को खबर भी नहीं और उनका सब कुछ मेरा। इट्स एन आर्ट। मेरा फोन
ये देख मैं स्मार्ट हूँ, ये रहा मेरा फोन। वो तो यहाँ भी आया था अपना आर्ट दिखाने, गलती से खुद को बेहोश कर लिया, जब उठा तो ये पड़ी हुई थी बेड पे चित ऐसे, और फिर उसी टाइम लिफ्ट की आवाज आई, मेरी थोड़ी सी फटी और मैं अंदर छुप गया। बस खुद को बेहोश कैसे कर लिया तू, सबको शुरू से बता। अच्छा शुरू से, हाँ तो 1992 में मेरा जूनागढ़ में जन्म हुआ था। चूतिए थोड़ा आगे से बता। हाँ तो बात 2007 की है, जब मैं 10वीं में फेल हो गया था तो घर वालों ने इधर इधर का बता, इधर क्या हुआ था। अच्छा तो ऐसे बोलो ना। हाँ तो लगभग 2 बजे के करीब मैं यहाँ पहुंचा, आते ही इस लड़की ने मुझे देखा और देखते ही लार टपकाने लग गई, ब्लेम माई सेक्स अपील फॉर दैट। उसके बाद ये मेरे कपड़े फाड़ने लग गई, मैं अपने टास्क से भटकने ही वाला था तभी मुझे याद आया कि मेरा मकसद क्या है। मैं बेटी चौथ सही से बताना सच सच। भाई प्लीज बता दे यार, हैं नहीं तो फिर किलर को कैसे पकड़ेंगे। हाँ तो लगभग 2 बजे के करीब मैं यहाँ पहुंचा और उसके बाद मैं टेबल के नीचे छुप गया और मैंने देखा कि ये लड़की झटपटाई पतंगे सी उड़ रही थी घर भर में। फिर मैंने कहा यही टाइम है, टेबल से बाहर आके मैंने ऐसे रुमाल निकाला, फिर ऐसे क्लोरोफॉर्म और ऐसे डाला, और जैसे ही उसके लगाने वाला था फिर मैंने खुद से पूछा कहीं ये कम तो नहीं पड़ जाएगा, और डाल देता हूँ। फिर इसमें मैंने और डाला, अब ठीक लग रहा है। फिर मैंने ऐसे चेक किया, क्या करके गई है तू मेरे साथ कुतिया? ये कौन था? तू 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 चोर को संभाल, मैं जैसे के संभालता हूँ, तू 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 जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। जिंदगी से तेरी मार दी, बसुम को उतार दी, बजाती है सितार सी, कहानी पे विद्वार थी, बदले के भुलैया में, जब पानी तेरी नैया में, शैतान भी दिखता दिया में, बचने का एक जरिया है, इसकी टोपी उसके सर, इसकी खुशी उसका डर, सबकी छोड़ तू अपनी कर, अपनी लाइफ है अपने पर, जिंदगी तो मारेगी ही, छह फुट अंदर डालेगी ही, तेरी पाड़ेगी ही। तो आज आप हैं, क्या नाम है? अंकित। और आज आप है मतलब? मतलब यहाँ रोज अलग अलग मामला चलता है भैया, कभी अंकित तो कभी अमित, ना जाने मैडम मुझे कब देखेगी। आपका फर्ज किया है, गौर फरमाइएगा, कि उस बेवफा का चर्चा हवाओं में है, कि उस बेवफा का चर्चा तो हवाओं में है, और हम आशिक होकर भी गुमनाम रह गए। आप कौन और क्या काम है आपको? अरे हम वीर जी, बहुत छोटी आरजे यस है, मैडम जी ने वो दूध का पैकेट मंगवाया था। वही जी। हाँ तो कितना हुआ? मैडम जी हमें कैश थोड़ी देती है पाग। क्या बोल कह रहे हो आप? गूगल पे, गूगल पे कर लेंगे, हिसाब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है ओके। अरे भाई साहब काहे हड़बड़ी मचा रहे हैं? मैडम का सिलेंडर भी खत्म हो गया था, फोन करके बुलाई है हमको, और वैसे हमें स्टॉक का है कर रहे हैं, प्यार व्यार हो गया क्या? हम अपनी मरार सही करते हैं भाई साहब। वैसे हमको एक बात बताओ, मैडम जी तो दिन भर शराब पीती है, उनका दूध कौन पीता है? अरे छोटा आदमी ही दूध की बात कर रहे हैं, वैसे मैडम सोशल मीडिया पे नहीं है? कहाँ है? ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, मिल नहीं रही है ओनली फैंस पे। आपको आईडी मालूम है? ओए सर आईडी वाईडी मालूम है? अरे क्या मर्दे उधर कहाँ टुकुर टुकुर ताक रहे, यहाँ खड़े हैं यार, क्या उधर? ओ तो आपको भी दिखते हैं, खन्ना जी की आत्मा यही सुसाइड कर लिए थे ना वो? अभी बैठे खन्ना जी। हाय खन्ना जी।
डरिया माँ बहुत अच्छे आदमी थे मने। आप बस बजरंग बली का नाम लीजिए, कोई बात दिक्कत नहीं है, कोई डरने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वेंटिलेशन का जुगाड़ कीजिए। वैसे स्टोरी पता है आपको खन्ना जी की? नहीं, क्या है? हम बताते हैं, 50 के थे और झुरमुरे तो उनके ऐसे फूट रहे थे कि क्या ही बताऊं। इंस्टाग्राम पर डीएम फॉर पेड फन प्रिया नाम से आईडी बनाए और लंडा लोग से पैसा लेकर बतियाते थे। और हमारे लंडू लोग क्या करते थे, अपने छोटू का दीदार करा देते थे। और हमारे खन्ना जी कतई हरामी नस्ल, वो यही फोटो इंटरनेट पे बेच बेच के माल बना रहे थे। एक दिन भांडा फूट गया, पुलिस निकल रही थी इनको धरने के लिए, खुद ही निकल लिए। बस फिर पैर चोद सुनाई दिया। खन्ना जी तो शायद, भाई हमको लग रहा है हम जो प्राइवेट टॉक कर रहे हैं ना उनकी वो गुस्सा गए हैं। वैसे मैडम जी नहीं दिखाई दे रही है? वो नहा रही है। नहा रही है? मैडम बोल थी नलका भी खराब हो गया, जा चेक करके आते हैं। बैठो सर, ये लगा और निकल। वाह, दुनिया में सबसे लंबा लौड़ा होता है किस्मत का। मूड में आ जाए ना तो गांड मार लेता है।
अच्छा खासा कविता आंटी के पास जा रहा था, खाना खिलाती, रात भर डेजर्ट चटवाती और सुबह निकलते हुए पैसे भी देती अलग से। एक खास चरने गई थी तो तेरी बुकिंग ली बेंचोत। और तू कलमुही, देख शर्म नहीं है ना तुझे अभी भी, हंस रही है, हंसना बंद कर, हंसना बंद कर। क्या कर रहा है तेरी माँ की, हंसना बंद कर। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अपना फोन संभाल। फोन तो ये रहा। ये कब से सलाम ही दे रहा है? ये जब से घर से निकला था। मैं दो लाशों के बीच में जिंदा कैसे ही अभी तक? धड़क के अलावा कोई इमोशन है भी तेरे अंदर या नहीं? भाई अब क्या करना है? सुन हमने कुछ नहीं किया, जो है ना अनजाने में हुआ है। इनकी बॉडी से घर से फिंगरप्रिंट हटाते हैं और ऐसे निकल लेते हैं। गेट से बाहर जाते हैं हम भूल जाएंगे हम कभी यहाँ आए थे या एक दूसरे से मिले भी थे। ठीक है? हाँ मैं तो आर्टिस्ट था ना, मर्डरर क्यों बना दिया साईराम? मुझे बचा लो, मैं सब छोड़ दूंगा, मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं ये रुमाल छोड़ दूंगा और ये रुमाल मैं से डालना छोड़ दूंगा और ये डाल कैसे लोगों को वो काश होता यार। क्या यार ये भी सही है। इसको उठा यहाँ से जल्दी निकलते, निशान मिटा के इसे पहले कोई और छोड़ो। जल्दी उठा इसे। ये क्या था? किस्मत का लौड़ा फिर मूड में आ गया। बहुत अच्छा था एक्चुअली। हाँ मुझे बहुत भी बोला था कि बोरिंग टाइप का है, आप लोग का तो आएगा ही, एकदम ही ना, आप लोग का तो आएगा ही, आप लोग तो देखोगे। तो मुझे, हाँ मैं तो नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे एक तो मुझे किसी भी चीज में हंसी फेक वाला आता नहीं है, जो भी आता है वो मुझे बिना देखे ही आता है, तो इसलिए मैं देखती नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, इट्स नॉट अ बोरिंग वीडियो गाइज, एंड हर्ष का वीडियो बोरिंग नहीं हो सकता, ये अगेन प्रूव हो गया। एंड साथ ही साथ विवेक जिसने किया है, हर्ष ने किया है पहली बार, लिखे थे ना है, बहुत अच्छा था वीडियो। एंड मैं हर बार जो बोलती हूँ, मुझे इनके वीडियो में कभी बोर फील नहीं होता है, इनका वीडियो क्वालिटी भी इतना अच्छा रहता है, जैसा लगता है मूवी या फिर सीरियल्स देख रहे हैं ऐसे लगता है। एंड खत्म हो जाने के बाद लगता है क्यों खत्म हो गया, इतना मजेदार होता है वीडियोस, बहुत अलग ही, मतलब एक अलग ही, मतलब कैसे सोचते हैं यार, जैसे कि एग्जैक्टली, मतलब पता है ये सब देख के पता लगता है कि यस अगर भगवान है, नहीं नहीं भगवान का भी बात है यार, सिर्फ टैलेंट, आजकल ना सिर्फ टैलेंट के साथ तुम नहीं जी सकते हो, तो मतलब भगवान का भी आशीर्वाद होना जरूरी है। एंड सीरियसली ये जिस तरीके से काम कर रहा है ना, आई थिंक बहुत जल्दी यार, बहुत जल्दी इनका शायद हो जाए, शायद कैरी मिनाती सर से भी आगे निकल जाए, इवन उसका शूटिंग भी स्टार्ट हो गया नेक्स्ट, वो तो करना ही था इनको, क्योंकि इनका एक खत्म होता है एंड दूसरा चालू हो जाता है। एंड ये बहुत अच्छा चीज होता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता, ये देख के पता लगता है, जिसे सीखना चाहिए हम सबको। एंड सीरियसली गाइस लाइक कमेंट ठोक के कीजिए रियल वीडियो में, क्योंकि ही डिजर्व। एंड अगर हमारे साथ वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज कर दीजिए लाइक, करने लगा चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए कि आगे क्या देखना है, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को जो देखना पसंद है वही लेके आए। एंड उम्मीद करूंगी वीडियो अच्छा लगा है, एंड आप चाहो तो हम लोग को फॉलो कर सकते हो, फॉलो करने के लिए आपका इंस्टा आईडी दिए दो, बांग्ला दे देंगे हम लोग, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही गाइज, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, फिर मिलते हैं, बाय। मुझे देखो तुटा भालो बेशे छी, भीरु मुने कुपोने के चोले छी, तुई जे आमार, आमी जे भालो बेशे छी, मुझे